हेलो फ्रेंड्स, बेकिंग वर्ल्ड बाय छाया में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई। चलिए हम देखते हैं नान खटाई की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो है 160 ग्राम मैदा, 90 ग्राम शुगर पाउडर, शक्कर पिसी हुई, 100 ग्राम देसी घी, 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून सूजी, चॉप बादाम, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/8 टीस्पून सॉल्ट। अब यहाँ पे हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पे एक बाउल में छन्नी रख के उसमें सबसे पहले यहाँ पे लिया है मैदा, उसके बाद 2 टेबलस्पून हमने जो लिया था सूजी, 2 टेबलस्पून बेसन, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर, ये सब मैंने अच्छे से छान लिया है। यहाँ पे हमें पीसी हुई शक्कर नहीं मिलानी है, पीसी हुई शक्कर हम घी में मिलाएंगे। उसे छोड़ के बाकी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम लोग अच्छे से छान लेंगे। अब मैंने इस बाउल में घी के साथ शक्कर को अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पे आप बीटर और हैंड मिक्सर से उसे फेंट सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान लिए थे वो हम घी में और शक्कर में मिक्स करेंगे उस बैटर में। यहाँ पे हमें हाथ से मिक्स नहीं करना है, स्पैचुला की मदद से ही हमें उसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। जब वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तब हम उसे हाथ से थोड़ा मिक्स करेंगे, और फिर अगर और भी ज़्यादा आपको ड्राई फील हो रहा होगा आपका डो, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। दूध 2 टेबलस्पून से ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है, और इसका हमें हल्के हाथों से मसल के एक डो बनाना है। देखिए हमारा डो रेडी है। अब मैं हमारी जो मेजरिंग स्पून होती है उससे मेज़र करके मैं छोटे छोटे बॉल लेके उसके हम छोटी छोटी हमें पेड़े जैसे बनाने हैं, और हमारी नान खटाई एक समान एक साइज में बन जाएगी। इसे बनाते वक्त इसे हल्के हाथ से हमें बांधना है, इसमें क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए, और हमें इसे बहुत ज्यादा प्रेस भी नहीं करना है। अगर आपका डो परफेक्ट बना होगा तो आपके नान खटाई में ज्यादा क्रैक्स नहीं आएंगे। मैं यहाँ पे नान खटाई में क्रॉस कर रही हूँ नाइफ की मदद से, ताकि हमारी नान खटाई में डिजाइन सा बन जाए। और अब हम इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा लेंगे। आप बादाम, पिस्ता, काजू, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। हमारी नान खटाई अब बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने नान खटाई ओटीजी में रखने से पहले ओटीजी को 140 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट किया था, और उसी पे मैंने 15 मिनट उसे बेक कर लिया है। आप चाहे तो नान खटाई को गैस पे भी स्लो धीमी आंच पे बेक कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। यह रेसिपी बहुत परफेक्ट तरीके से बनती है और बहुत टेस्टी बेकरी जैसी नान खटाई बनती है। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।